लोक आस्था का महान पर्व छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही सभी लोगों पर छठी मैया की कृपा बनी रहे, इसकी भी हम शुभकामनाएं देते हैं। और एक आग्रह करना चाहते हैं कि आप तमाम लोग आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ महान पर्व को मनाएं। जय हिंद, जय राजद। संपूर्ण देशवासियों को लोक आस्था का महापर्व छठ और प्रकाश का पर्व दीपावली की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारे संगठन की ओर से। साथ ही साथ जो कल जो लोकतंत्र का महापर्व बीता है, उसमें जो हमारे कांटी से विधायक बने हैं, उनसे कांटी की जनता की और हम लोगों का भी उम्मीदें बढ़ गया है कि आप कांटी के विकास को अपना प्रमुख एजेंडा मानकर युवाओं को रोज़गार और कांटी का जो पर्यटन स्थल है, कांटी में जो भय का जो वातावरण हो गया था, उस वातावरण को ख़त्म करके और समाज के युवाओं को बढ़ चढ़कर मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो। और प्रकाश का पर्व जो प्रकाश के लिए है, रोशनी के लिए है, उसके साथ आप कांटी को रोशनी देने का काम करें। और ये लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व को हर जाति हर धर्म मिलकर आपसी भाईचारा के साथ मनाएं। और कांटी में बौद्ध सर्किट, कांटी में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, कांटी में आपका कुठिया मजार, कांटी में आपको है सिरकाही मजार शरीफ का विकास हो, ताकि हमारे पर्यटक पर आने वाले लोगों को भी काफ़ी फायदा हो और उनको सुरक्षित यात्रा और सुरक्षित पर्यटन स्थल का दर्शन हो। यही हम कामना करते हैं वर्तमान विधायक से, ये उम्मीद भी करते हैं। और अगर इस तरह की बुनियादी मुद्दों पर काम नहीं होगा तो हमारा जो अंदाज है शासन और सरकार के खिलाफ सवाल मजबूती से उठाना, उस सवाल पर हम लोग का आवाज़ जारी रहेगा। दीपावली और छठ के पावन महीने और पावन पर्व पे हम तमाम मुजफ्फरपुर वासियों और कांटी विधानसभा वासियों, नगर पंचायत कांटी के वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे माँ छठी मैया से कि जीत कर आए हुए सारे प्रतिनिधि अपने काम को अच्छे ढंग से करेंगे और कांटी को स्वर्णिम विकास की धारा पे आगे बढ़ाते हुए कांटी में चारों ओर विकास की गंगा बहाएंगे। हम शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे अपने NDA के जीत के आए हुए तमाम प्रत्याशियों को जो बिहार विधानसभा में जीत कर आए हैं, उन्हें छठी मैया मजबूत बनाए रखें और विकास की गंगा बहाने के लिए यथाशक्ति, इच्छा शक्ति और उनमें कर्म शक्ति जागृत करें। हम बधाई देना चाहेंगे बिहार में पूर्ण बहुमत से NDA सरकार के लिए माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कर कमलों द्वारा, जिनके ओजस्वी भाषण और ओजस्वी क्रियाकलाप के कारण ही बिहार में आज NDA की सरकार पूर्ण बहुमत में आ पाई है। इसके लिए बिहार की ओर से उनको छठ पूजा और दीपावली के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं और कोटि कोटि धन्यवाद बिहार में NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिश्रा एथलेटिक्स क्लब कांटी मुजफ्फरपुर की तरफ से मैं सभी बच्चों को और सभी अभिभावकों को और जनता को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा दिवाली और छठ की। और साथ ही साथ उनसे यह आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों को जो है सो प्रत्येक दिन 1 घंटा रोज़ खेलने के लिए ज़रूर बोले, ताकि उनका शारीरिक विकास जो है सो होता रहे। सभी जनता को हमारी तरफ से जो है सो दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं हमारे नए विधायक जी से भी आग्रह करूँगा कि वो खेल को लेके जो है सो कांटी में रुचि बढ़वाएं, क्योंकि कांटी में खेल उस लेवल तक नहीं है अभी। धन्यवाद। हिंदू का पर्व दिवाली एवं छठ के शुभ अवसर पर कांटी विधानसभा क्षेत्र के जनता को अपने तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं वर्तमान में जीते हुए विधायक इस्राइल मंसूरी से भी हम मांग करते हैं कि कांटी क्षेत्र के बचे हुए विकास के में को काम करें तो और कांटी की जनता को लाड़ प्यार दें एवं दिवाली के शुभ अवसर पर आम जनता से आह्वान करते हैं कि दिवाली भय मुक्त बनावें, कोई किसी तरह का कोई आपस में द्वंद्व नहीं हो। यह पर्व खुशी का है, इसके लिए हम सभी आम जनता को, कांटी के महान जनता को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुरेंद्र राय, प्रखंड अध्यक्ष, राजद। दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पे युवा जनता दल परिवार की तरफ से हम उज्ज्वल कुमार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहते हैं।
और साथ ही युवा वर्ग के साथियों से निवेदन करते हैं कि छठ पर्व में ज़रूरतमंदों को जिस हद तक आप मदद कर सकते हैं, चाहे वो जिस किसी भी रूप में आप मदद करें, वो मदद आपके शरीर से भी किसी छठ व्रती के घाट बनाने में आप मदद कर सकते हैं, या अगर आप सामर्थ्य हैं तो छठ पर्व में इस्तेमाल किए जाने में किसी भी पूजा सामग्री से अपने ओर से मदद करें, ये आस्था का विषय है। और अभी हाल में ही चुनाव का जो नतीजा आया है उसमें पूरे एनडीए परिवार की तरफ से हम पूरे बिहारवासी मतदाता साथियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो फिर से एक बार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की बागडोर को सौंपने का काम किया है, उसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं आम आवाम जनता से अपील करते हैं कि आपस में भाईचारा बना करके रखे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में दिवाली और छठ मनाए, यही मेरी कामना है और अपील भी है।